hello students good, uh, good afternoon and welcome to the next session which is of ssc previous year paper analysis session uh, we are डूइंग इट एवरी डे हर रोज़ हम लोग कर रहे हैं और हर रोज़ की तरह एक बार फिर से आपको आ, मैं बता दूँ कि हम लोग एस एस सी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि सी जी एल का पेपर हुआ था जून में हुआ था जून फोर को स्टार्ट हुआ था जून फोर के थ्री सेशन जून फाइव के थ्री सेशन जून सिक्स के सेवन के टेन के इलेवन के हमने कर लिए हैं एंड टूडे वी आर डूइंग द जून ट्वेल्व टू थाउजेंड नाइनटीन सेकेंड शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट कर रहे हैं फर्स्ट हमने कल किया था आज हम लोग सेकेंड कर रहे हैं और uh, यस yes, आज हम लोग सेकंड शिफ्ट कर रहे हैं और सेकेंड शिफ्ट जो है हमारा आज का पेपर बहुत अच्छा है और आपको इस पेपर को बहुत ध्यान देना चाहिए अगर आपको बहुत सारा सीखना है तो बहुत सारा ग्रामर का ऐसा पार्ट है इसमें जो सीखने को मिलेगा तो आइए शुरू करते हैं कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम है कि मैम यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है तो मैं ये कहूँगी वन आवर का सेशन है ये और हमारे क्योंकि बैक टू बैक लाइव क्लासेज हैं तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाऊँ तो अगर वैसे मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कोई पॉइंट रह जाता है या कुछ ऐसा मिस हो जाता है या कुछ आपको नहीं समझ में आ तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन होता है हमेशा नीचे दिया हुआ होता है राइट अभी भी आप कॉल करेंगे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा ओके तो स्टार्ट करते हैं आइए आज का सेशन हलो कुश हावर यू यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी एस एस सी वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छी एक है कि जल्द ही हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है पूरा हमने प्लान कर दिया है बहुत अच्छे से क्लास लेकर आने वाले हैं एस एस सी की जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार हो सके और आप कह सके कि इंडिया स्टडीज से प्रिपेयर करके आप सेलेक्ट हो पाए दिस इज तो आर टारगेट तो लेट सी स्टार्ट करते हैं आर क्लास सी द क्वेश्चन नंबर वन इज क्वेश्चन नंबर वन जो है वो जम्बल्ड में से लिया गया है जम्बल्ड यानी कि पैरा जम्बल पी क्यू आरस वाला क्वेश्चन है आ, ए में लिखा हुआ इफ द द मिक्सचर बिकम्स इफ मिक्सचर नाउन के पहले द लगना यानी कि रेफर्ड नाउन है है ना यानी कि इसके बारे में पहले कहा जा चुका है तो ये हमारा ए से स्टार्ट नहीं होगा द नेक्स्ट इज फाइनली हो रहा है फाइनली यानी बाद में सबसे लास्ट में अंत में तो ये भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा हमें मिल गया एक हिंट कि बी लास्ट में आएगा लेकिन देखिए हैरान होने की बात कि तीन में बी लास्ट में है बॉयल मिल्क इन अ हैवी बॉटम्ड पैन इसे बोला गया हैवी बॉटम वाले पैन में मिल्क बॉयल करिए एंड ऐड राइस और उसके बाद राइस को ऐड कर दीजिए फिर डी में लिखा हुआ कुक फॉर अबाउट ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स तक कुक करिए किसको देखो यहाँ पे एक एक हैवी बॉटम पैन लेने की बात कर रहा है कि हैवी बॉटम वाला पैन लो उसमें मिल्क बॉइल करो और राइस ऐड करो तो यहाँ से प्रोसेस आई शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि ट्वेंटी मिनट्स के लिए इसको आ, आ, कुक करिए स्टरिंग स्टरिंग यानी चलाते हुए तो चलाना किसको जो उसमें होगा वही ना तो किसको चलाना है मिल्क और राइस को तो कुछ बना रहे हैं यहाँ पर कुछ रेसिपी है और अक्सर ऐसा होता है कि रेसिपीज को ये पैरा में डाल देते हैं और हमें बोलते हैं कि ना गैस करो ये रेसिपी का सीक्वेंस क्या होगा है ना तो उसमें थोड़ा सा हमें माइंड लगा लो तो भी आ जाता है वैसे कि देखो ए से स्टार्ट नहीं होगा तो ए वाले को काट दो बी से स्टार्ट नहीं होगा तो बी वाले को काट दो डी से स्टार्ट होगा कि एक मिनट देखते हैं।

और फिर उसके बाद ए बी आ जाएगा क्योंकि बी लास्ट में आएगा ये फॉर श्योर sure है हमें क्या पता चला इस क्वेश्चन में सी पहले और बी लास्ट में बीच वाले दोनों उसी में ही सेट थे डी और ए का पेयर उसी में सेट था कहीं और नहीं था तो हो गया हमारा काम आइए चलते हैं नेक्स्ट पे ठीक है क्वेश्चन नंबर वन इज डन ही क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं टू इज अंडरलाइन ईडियम हमें ढूंढना है थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल इयर्स जब उसकी स्पीड चल रही थी ना थ्रू आउट पूरे समय स्पीच के पूरे दौरान मतलब पूरे समय में द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स क्राउड बिल्कुल ऑल ईयर्स था ऑल ईयर्स था का मतलब क्या है बिल्कुल ध्यान लगाए बैठा था टॉकिंग लाउडली नहीं कवरिंग देयर ईयर्स नहीं मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज नहीं वेरी अटेंटिव वेरी ऑल ईयर्स वेरी कॉमन ईडीएम है ईडीएम को हमें कैसे करना होता है ईडीएम पढ़ो मीनिंग देखो दैट्स ऑल अंदाजा नहीं लगाइएगा आप भी अपने एग्जाम में नेक्स्ट है एक्टिव ढूंढना है हमें इसका इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेम्बर्स

प्लेसड बिफोर द चेयरमैन फॉर एस कॉमेंट अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो दो क्लॉजेज है एक क्लॉज ये रहा फिर आ गया दैट तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा इस वाले में चेंज होगा ठीक है रिपोर्ट वुड भी प्लेस बिफोर द चेयरमैन हमें सिर्फ मेम्बर से मिल जाना है मिल गया मेम्बर से हमारा काम हो गया दोनों में चेंज नहीं होता है. तो फर्स्ट वाला जो है हमारा वो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इंट्रीकेट का इंट्रीकेट क्या होती है बहुत सारी स्मॉल स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी चीज़ें मिलकर क्या बना देती हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड बना देती है स्मॉल थिंग्स बहुत सारी मिक्सचर ऑफ मेनी स्मॉल थिंग्स तो उसने क्या बना दिया कॉम्प्लीकेटेड बना दिया तो क्या आंसर होगा इसका कॉम्प्लेक्स होगा राइट आइए चलते हैं नेक्स्ट पे Four फिर से आ गए हैं। नेटवर्क ऑफ स्टोरी तो दिस आ गया इसमें यानी कि इस कौन सा नेटवर्क ये वाला नेटवर्क कौन सा वाला हमें नहीं पता रेफर्ड एडजेक्टिव है यहाँ पे तो इससे स्टार्ट नहीं होगा हाउ हालांकि यद्यपि ये कंजक्शन है विरोधावास का इससे स्टार्ट नहीं होगा विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन विद इन दिस नेटवर्क फिर से दिस नेटवर्क यहाँ भी नहीं होगा यहाँ देखो ओवर दस पीपल आंसर कितने आराम से मिल गया है हमें फिर से सी आंसर है यहाँ पे है ना ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं सिक्स में अक्विट है अकविट अक्विट यानी जो जिसको कि ऑफिशियली निर्दोष साबित कर दिया गया हो वो होता है अकविट और कॉन्विक्ट होता है दोषी ठीक है ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, है क्या हमें राइट एंटेम ढूंढना है तो एंटनिम हो जाएगा इसका फॉरगिव यानी माफ करना क्लियर है नहीं, साफ ठीक नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो देख लेते हैं नो इम्प्रूवमेंट आ गया द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली इतने अच्छे से फ्लावर्स जो हैं वो स्वीटली स्मेल कर रहे हैं दैट आई वॉन्ट टू प्लग दैम कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें प्लग कर लूँ प्लग करना यानी क्या होता है तोड़ना, ठीक है अब देखिए सेंटेंस को ये मैंने ना अभी पढ़ाया आप लोगों को एडजेक्टिव पढ़ा रही थी जब तब पढ़ाया था और वर्ब पढ़ा रही थी तब भी पढ़ाया था एडजेक्टिव में मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है आप लोगों को याद होगा देखो फ्लावर्स हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये क्या है स्मेल स्मेल तो वर्ब है कैसा वर्ब है कैसा वर्ब है एक्शन नहीं कर रहा है ये कैसा वर्व है ये मैंने बताया था आप लोगों को इसको बोलते हैं कॉपुलर वर्व कॉपुलर वर्व ठीक है ये कैसा वर्व है कॉपुलर वर्व है कॉपुलर वर्व की जो विशेषता होती है वो विशेषता क्या होती है कॉपुलर वर्व देखो कॉपुलर वर्व सिर्फ ऐसा वर्व है वर्व की तारीफ कौन करता है एडवर्व करता है तो इट्स साउंड गुड बिल्कुल स्वीट तरीके से कैसे स्मेल कर रहा था स्वीट तरीके से कैसे स्मेल कर रहा था स्वीट तरीके से स्मेल कर रहा था कुछ बता रहे हैं कि इसका आंसर थर्ड होगा थर्ड इसी का बता रहे हैं क्या कुछ आप लेट्स सी थर्ड होगा क्या अब लेकिन वैसे तो वर्ब का तारीफ कौन करता है एडवर्ब करता है लेकिन कॉपीला व एकमात्र ऐसा वर्व है जिसकी तारीफ कौन करते हैं हमेशा एडजेक्टिव हमेशा उनकी तारीफ कौन करते हैं एडजेक्टिव करते हैं कौन करते हैं एडजेक्टिव करते हैं तो इसकी तारीफ कौन करेगा एडवर्व करेगा क्या नहीं करेगा तो यहाँ पे जहाँ भी स्वीटली लिखा है ना उस ऑप्शन को काट दो तो ये दो हमारे ऑप्शन कट गए हैं ठीक है अब इसमें देखते हैं स्मेल सो स्वीट और विल स्मेल सो स्वीट स्मेल करेंगे बहुत अच्छे से और स्मेल कर रहे हैं बहुत अच्छे से अब हमें देखना है टेंस हमें स्वीट पता चल गया अब टेंस देखेंगे तो एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि आप टेंस को देख पाए देखिए फ्लावर्स स्मेल कर रहे थे इतने स्वीटली दैट आई वांट टू तो ये क्या बता रहा है हमें टेंस कैसा है प्रेजेंट देखिए हमें यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करने हमें जो बदलाव करने जो चेंजेस करने वो यहाँ पे करने हैं ना तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे हमारा टेंस कैसा होगा प्रेजेंट होगा और फ्लावर्स है तो वर् टेंस कैसा है यहाँ पे ये यह हमारा प्लूरल है तो ये वर्ब के अकॉर्डिंग सिंगुलर तो स्मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्मेल आएगा विल स्मेल फ्यूचर है फ्यूचर नहीं चाहिए तो ये हमारा आंसर नहीं होगा कुछ राइट कुछ यू राइट थ्री ही इसका आंसर होगा आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटथ पे एट क्या है हमें करेक्टली स्पेल बताना मेजर में ज बोला जाता है लेकिन एस का स्पेलिंग आता है है ना मेजर होता है विल स्मेल नहीं नो प्रदीप यू यू वर रॉन्ग विल नहीं आएगा मैंने आपको बता दिया टेंस का चेंज नहीं हुआ है वहां पे है ना तो स्मेल आएगा केवल रॉबरी uh, रॉबरी में डबल बी आता है ठीक है रेस्ट्रॉन होता है ये रेस्ट्रॉन रेस्ट्रॉन में आई आर ई एस टी आर एंटी आता है दिस इज द मिस्टेक है ना ए एन टी आता है तो ए नहीं लिखा हुआ है लेजर लेजर यानी फ्री टाइम ये सही है तो सर करेक्टली स्पेल टूंढना था बहुत ईजी क्वेश्चन वो कैबलरी को चेक करने के लिए आया था ये वाला क्वेश्चन आगे आता है ग्रामेटिकल एरर देखो ग्रामेटिकल एरर जो वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है अनलिस दिया हुआ है सबसे पहले अनलिस क्या होता है कंजंक्शन क्या होता है कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन कंजंक्शन ऑफ कंड कंडीशन कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन अगर तुमने ये नहीं करा तो तुम ये नहीं करोगे ऐसा वाला कंजंक्शन इसको बोलते हैं शर्त वाला है ना अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क देखो अनलेस जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं करते जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं करते अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड अच्छा अनलेस यू डिड नॉट ओके पास दे दिया दिस इज प्रॉब्लम ओके पास दे दिया गया है अनलेस यू डू नॉट डू योर होमवर्क होना चाहिए जब तक तुम तो अपना होमवर्क नहीं करते यू विल बी तुम्हें पनिश किया जाएगा अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो तो अनलेस गलत है इसमें है ना अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आता अनलेस का मतलब है जब तक नहीं ठीक है अनलेस का मतलब है जब तक नहीं तो एक तो नॉट नहीं आएगा तो ये सही है अब नॉट हटा के देखो अनलेस यू डू नॉट डू योर होमवर्क जब तक तुम अपना होमवर्क अनलेस यू डू योर होमवर्क जब तक नहीं है ना तो नहीं ये अनलेस ही नहीं आएगा अगर हम यहाँ पे अनलेस लगाते हैं तो इसका मतलब जब तक और जब तक तुम अपना होमवर्क करते हो तुम पनिश तुम्हें पनिश किया जाएगा ये नहीं है इसको करेंगे हम अनलेस को हटा देंगे इफ लगाओ अगर अब सही है अगर इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो इस तरीके से होगा अनलेस की जगह लगेगा इफ यू रहेगा एज इट इज यहाँ पे आएगा डू दोनों में चेंजेस होंगे तब जाके सही होगा ऐसे नहीं सही होगा हाँ ऑप्शन टू तो सही है लेकिन अनलेस गलत है यहाँ पे अनलेस जो है ना वो सब को पता नहीं क्या ही बना रहा है अजीब सा बन गया है जब तक नहीं होता है इसका सेंस और जब तक नहीं करोगे विल बी पनिश ये कोई सेंस नहीं दे रहा तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ और डू नॉट को डिड नॉट को कर देंगे डू नॉट ठीक है नंबर नाइन हो गया यहाँ पे क्वेश्चन देखो ग्रामर का बहुत सीधा सा सेंटेंस इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने नहीं समझाया है आपको है ना आई होप आपको क्लियर होगा आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे नहीं क्लियर है तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वन वर्ड का इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड जिसको सुधारा ही ना जा सके आप कोशिश कर लें बट सामने वाला इज नॉट रेडी टू चेंज तो ही इज इनकोरेजिबल इनकॉरिजिबल करेक्ट से बना हुआ है कॉरेजिबल जिसको सही किया जा सके इनकॉरिजिबल जिसको नहीं सही किया जा सके इनक्रेडिबल जिसको जिसकी कोई तुलना नहीं होती अतुलने अतुलनीय inviable जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं या जिसको नहीं करना चाहिए दैट इज inviable, इम्पॉसिबल असंभव ये हम सब जानते हैं तो दस बहुत इजी था इनकॉरिजिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर इलेवन इलेवन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेम ढूंढना है हमें है ना एंटेनिम ढूंढना है किसका इसका एब्जर्ड एब्जर्ड अगर कोई चीज एब्जर्ड है तो इसका मतलब है वो वो चीज कैसी है सेंसलेस ठीक है इ लॉजिकल ठीक है बेमतलब की इसको हम लोग एग्जैक्टली सेंसलेस बोल सकते हैं इल बोल सकते हैं और मीनिंगलेस भी बोल सकते हैं एब्जर्ड है ना सेंसिटिव द पर्सन हु इज़ वेरी सेंसिटिव हु वो कैसा होगा अगर सेंसिटिव है तो हाँ इनक्रेडिबल इंडिया सही है अतुल्य भारत बोला जाता है बिल्कुल सही है ना हाँ सेंसिटिव है अगर पर्सन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यानी कि बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है या बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में ले, ले लेता तो है तो सेंसिटिव है सेल्फिश जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं उनको सेल्फिश कहा जाता है सेंटिमेंटल यानी इमोशनल ठीक है भावनात्मक सेंसिबल इसका जस्ट ऑब्जिट होगा ये सेंसलेस ठीक है और ये सेंसिबल सेंस के लायक सेंसिबल ठीक है सेंसिटिव नहीं सेंसिटिव की तो पर्सन की क्वालिटी होती है कि वो कैसा है सेंसिटिव है uh, जैसे कि वो सेंसिटिविटी वाला पेस्ट आता है ना उसमें क्या बताया जाता है अगर आपके दांत सेंसिटिव है यानी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा फील करते हैं तो सेंसिटिविटी तो वो सेंसिटिव है यहाँ पर ये एब्जर्ड है जो कि सेंसलेस होता है और ये क्या है सेंसिबल आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू here today. देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ एब्जर्ट सिली होगा इसलिए सेंसिबल उसका जस्ट ऑपोजिट होगा बिल्कुल सही है ना देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा देखो क्यों लगा क्योंकि मैंने ना कुछ दिनों पहले इसको क्लास में पढ़ाया था अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने मच का वेरी का और वेरी मच का डिफरेंस बताया था वेरी मच का डिफरेंस बताया था ठीक है वेरी मच आता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच भी आता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ ठीक है कंपेरेटिव डिग्री डिग्री लिखा हुआ है ना और वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री के साथ ठीक है पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री और ये भी कंपेरेटिव डिग्री वेरी मच ठीक है तीनों में मैंने बताया और यहाँ पे इसने लिख दिया टू मच प्लीज देखो 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 टू मच प्लीज लिख दिया तो मैं नहीं मैं ऐसे नहीं स्टार्ट करूंगी मैं आपको पहले समझा देती हूँ आपका आपके आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे टू मच प्लीज को देखो आई एम वेरी मच प्लीज मैं कैसा हो गया हूँ प्लीज हो गया हूँ किससे टू सी यू हियर टुडे तुम्हें यहाँ देख कर देखो आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कैसी हो गई हूँ वेरी मच प्लीज हो गई हूँ आपको देख कर तो देखो अब मैंने बोल तो दिया ये सेंटेंस लेकिन मैंने गलत बोल दिया अब गलती क्या की है मैं हूँ ये क्या है सब्जेक्ट एम क्या है Verb. और व्लीज क्या है एडजेक्टिव और ये दोनों मिलके बता रहे हैं कितना प्लीज डू मैं कितना प्लीज हूँ बहुत ज़्यादा इसलिए वेरी मच लिख दिया तो सेंस वाइज तो सही लग रहा है इसका मतलब बहुत प्लीज इसका मतलब वेरी प्लीजिंग प्लीजिंग कोई चीज़ होती है सुंदर दिखने वाली प्लीजिंग पर्सनैलिटी प्लीजिंग यू आर प्लीजिंग मी तुम मुझे खुश कर रहे हो तो खुश करने वाला प्लीजिंग यानी खुश करने वाला और प्लीज यानी खुश डिफरेंस है दोनों में दोनों एडजेक्टिव हो सकते हैं ठीक है लेकिन सेंस में डिफरेंस है ये गलत है मैं बता चुकी हैं टू मच देखो टू मच और मच टू टू मच प्लीज का मतलब है नेगेटिव है ये टू मच इसका मतलब है पहली बात तो टू मच एडजेक्टिव के पहले नहीं आता मच टू के मच टू आता है, है ना और टू मच का मतलब क्या है जितना नहीं होना चाहिए था टू नेगेटिव है जितना नहीं होना चाहिए था उससे भी ज्यादा टू मच इट इज टू मच फॉर मी है ना इट इज इनफ नाउ मतलब टू मच इट इज यानी कि बहुत ज्यादा हो गया है इतना नहीं होना चाहिए था तो ये नेगेटिव सेंस देता है इसलिए ये नहीं आएगा अब हम आते हैं देखो गलती क्या है प्लीज है हमारा वह सॉरी एडजेक्टिव है जब एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री में नहीं है ना सिंपल एडजेक्टिव है बी थ्री से बना हुआ सिंपल एडजेक्टिव है जब बी थ्री से बना हुआ सिंपल एडजेक्टिव है या कंपेरेटिव डिग्री में नहीं है पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है तो ये अपने साथ क्या लेते हैं वेरी मच नहीं लेता है सिंपल लेगा वेरी क्या लेगा वेरी वेरी प्लीज वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर टुडे। तो ये इसका आंसर होगा बाकी नहीं होगा करेक्टली स्पेल्ड पूछा क्वाइट ये नहीं नो नो आई एम सॉरी क्वाइट देखो क्वाइट होता है कि ये यानी चुप एक होता है क्वाइट फ्यूजन हो जाता है इस स्पेलिंग में इसलिए इसको दे दिया गया वेरी क्वाइट सिंसियर शी इज वेरी सिंसियर ठीक है very, sincere, is, sincere, और एक होता है क्विट ये होता है वर्ब और इसका मतलब होता है छोड़ना ठीक है और ये क्वाइट है एडजेक्टिव और एडवर्ब भी हो सकता है कई बार क्वाइट ईजी एडवर भी लिखेंगे हम इसको शायद ये एडजेक्टिव के लिए आता है मुझे क्वाइट डिफिकल्ट एडवर भी है, हाँ, है ये ना क्वाइट क्या है चुप ये भी ये adjective है ठीक है तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? थ्री वाला कैसे चाह है क्वेश्चन पे है हम ऑल दो वाइल्ड एलिफेंट एक वाइल्ड एलिफेंट हालांकि एक वाइल्ड एलिफेंट यहाँ से चिन्ना थाम्बी डिड नॉट ग्रो अप हालांकि एक वाइल्ड एलिफेंट था, था फिर भी चिन्ना थाम्बी जो है डिड नॉट ग्रो अप एंटायरली इन द वाइल्ड हालांकि वो वाइल्ड था है ना वाइल्ड था लेकिन वो एंटायरली यानी कि कंप्लीटली वाइल्ड में नहीं ग्रो अप हुआ बढ़ा मतलब पला बड़ा नहीं ठीक है कहाँ पे नहीं बढ़ा चिन्ना स्वामी चिन्ना थाम्बी करके एक, एक एलिफेंट की बात हो रही है चूंकि हालांकि वैसे उसका जो इंस्टिंक्ट होगा उससे वो क्या था स्पीशी कैसा था वाइल्ड था पर वो वाइल्ड में ग्रो नहीं हुआ वाइल्ड जगह पर ग्रो नहीं हुआ मैम आप जो कॉम्प्रीहेंशन करवाती हैं उसमें क्वेश्चन नहीं करवाती हैं क्योंकि मैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो पैसेज वाला कॉम्प्रीहेंशन नहीं है ठीक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि हमें सिर्फ पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए मैं सिर्फ पढ़ना सिखाती हूँ बेटा वहाँ पे कि किसी भी पैसेज को किसी भी सेंटेंस को किसी भी कॉमन एरर वाले क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए कैसे हमें पार्ट ऑफ स्पीच डिटेक्ट करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम नहीं आए तो मैं सिर्फ यही बताती हूँ इसलिए वहाँ पर क्वेश्चन की जरूरत नहीं मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको ये क्योंकि ये बहुत आसान है इसमें चार ऑप्शन है इसमें से ये आएगा और ये नहीं आएगा ये, आएगा। ये आप बहुत रीड करके ढूंढ सकते हो लेकिन जो मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ ना वो जनरली कोई नहीं पढ़ाता ठीक है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं आज से मैंने कुछ दिनों बाद मैंने वैसे आज अनाउंस कर दिया कल मेरा रीडिंग कॉम्प्रिंशन वाला जो सेशन है वो लास्ट होगा क्योंकि अब हम लोग एडिटोरियल में ही कॉम्प्रिहेंशन करेंगे एडिटोरियल का जो लेवल होता है वो काफ़ी टफ होता है और इनफ होता है ग्रामेटिकली एनालिसिस करने के लिए तो उसका हम ग्रामेटिकली एनालिसिस भी करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन भी उसको हम लोग कर लेंगे राइट तो आइए चलते हैं इस पे पैसेज पे फिर से पहला लाइन कर लिया है कि वो क्या था वाइल्ड था उसका जो स्पीशी था वो वाइल्ड था पर वो वाइल्ड में नहीं पला बड़ा था ओवर द लास्ट डैश ओवर द ओवर देखो ड्यूरेशन बता रहे पिछले कुछ डैश से ड्यूरेशन आएगा ओवर यहाँ पे पीरियड के लिए आया है ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है ये ओवर तो हमें सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम ढूंढना है आइए देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम समर पीरियड ऑफ टाइम नहीं है समर तो एक सीजन का नाम है एनुअल वार्षिक इट इज नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है ये तो सालाना ये बताया गया और डिकेड दस साल पीरियड है और फेस्टिवल तो कॉमन एडजेक्टिव ले लिया गया ऐसा ही तो यहाँ पे क्या होगा डिकेड ये जो पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है ओवर द लास्ट डिकेड पिछले दस सालों से He He has had. He has had. He has had. had concept clear है क्या हैज के बाद वर्व की थर्ड फॉर्म आती है हैज के बाद वर्व की थर्ड फॉर्म आती है उसके पास था पिछले दस सालों से था क्योंकि ये यहाँ के यहाँ है फॉर For क्या लेता है? Period लेता है? है। है है, तो period of time और for आया, since for इसलिए कैसा tense, perfect tense. यहां पे use हुआ ठीक है, है, के बाद आएगा? ऑप्शन हमें सेकंड ढूंढना पड़ेगा इजी एंट्री एंट्री थी उसकी आसान एंट्री थी एंट्री कर लेता था वो या अप्रोच थी या एक्सेस थी या वे, -वे यानी रास्ता ठीक है अप्रोच यानी भी पहुंच और एक्सेस यानी भी पहुंच लेकिन अप्रोच यानी जो पहुंच होती है ना वो चीज़ों के लिए पहुंच होती है मेरी उस मिनिस्टर से अप्रोच है एक्सेस नहीं है अप्रोच है मैं वहां जाके अपना डील डील करने का अप्रोच है मेरे उससे है ना लेकिन अगर मेरा एक्सेस है तो कहीं पहुंचने का इजी रास्ता इजी के साथ एक्सेस आ जाता है हमेशा और इजी यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो इजी एक्सेस था उसका इजीली वो वो कहाँ पहुँच जाता था फूड के लिए कहाँ पे ऐप थाजागम, थाडागाम एक प्लेस का नाम दिया गया है, विलेज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स नियर कोयम्बटूर कोयम्बटूर एक प्लेस है उसमें एक विलेज था वहां पे वो बहुत आसानी से पहुंच पाता था. थर्ड में देखते हैं ब्रिक डैश अब देख लो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है ये हमें पता ही होना चाहिए वरना ये गलती हो जाएगा ब्रिक लिखा हुआ है ब्रिक डैश टेम्पटेड हिम ब्रिक का जो डैश था ना वो उसको टेम्प्ट करता था ब्रिक डैश क्या होता है यहाँ पे आएगा क्लिंस टब नहीं ब्रिक का टब नहीं होता स्टोर नहीं होता जार नहीं होता क्लिंस होता. होता है क्लिंस क्या होता है वो वाला अवन वो अवन जिसमें ब्रिक को पकाया जाता है ब्रिक को ईंटों को ईंटों को बनाने के लिए जो क्ले बनता है ना क्ले से ईट बनती है भट्टी में ना एक बर्तन चढ़ाया जाता है जिसमें वो क्ले बनाया जाता है है ना वो पेस्ट बनाया जाता है जिससे ईंटे बनती है तो वो जो पेस्ट वाला था ना बर्तन उसको किन्स कहते हैं ओवर लिख दिया मैंने अवन ठीक है तो वो अवन रखा होता ब्रिक किन्स वहाँ पे है ना वो उसको टेम्प्ट करता था ललचाता था उसको देख के उसको हाथी को ना लालच आता होगा एलिफेंट को हिम विद डैश ऑफ वाटर उसमें डैश ऑफ वाटर होता था अब वाटर देखो अनकाउंटेबल है है ना अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आएगा ठीक है लोड भी नहीं लोड आ सकता है लोड दोनों के साथ आता है लोड ऑफ वाटर मच ऑफ वाटर मच ऑफ वाटर नहीं होता मच वाटर होता है लोड ऑफ वाटर भी नहीं होगा क्योंकि लोड क्या है कभी भी लिक्विड के साथ नहीं आता है तो यहाँ पे जाएगा प्लेंटी ऑफ वाटर उसमें क्या होता था बहुत ज्यादा पानी होता था ठीक है पाम oh तो मतलब उसको वो तो एक तो वो ब्रिक वाला चीज आकर्षित करती थी उसको और उसको पसंद था ही लव लाइट करता था लव का सेंस लाइक भी होता है कई बार है ना तो लव्ड वॉट ही लव दाम पिथ पाम पिथ को भी लव करता था वो पाम पिथ क्या होता है पाम ट्रीज जो होती है ना जैसे इस टाइप की ट्रीज होंगी तो पाम पिथ में स्किन के अंदर कोई व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है जो कि फ्रूट्स में भी होता है और ट्रीज में भी होता है और लिक्विड लिक्विड सा सब्सटेंस तो वो पाम पिथ तो जो था वो उसको अच्छा लगता था जिसको कि वहां पर यूज किया जाता था ब्रिक बनाने में तो ब्रिक में वो होता था ना क्ले में इसलिए उसको वो अच्छा लगता था इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाता था नंबर फाइव हमारा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं फाइव के लिए ऑप्शन क्या है फ्यूल ओके ओके मैटर लॉग्स यूज किया जा सकता था बेक करने के लिए देखो अवन आ गया पहले ही बेक करने के लिए क्या चाहिएगा फ्यूल क्या चाहिएगा लॉग्स फॉर्डर तो चारा होता है लॉग्स यानी वुड होता है वुड लकड़ियां ठीक है और फॉर्डर क्या होता है चारा एनिमल को खिलाया जाने वाला फीड किया जाने वाला फॉर्डर और मैटर यानी तो मैटर मुद्दा तो ये तो वैसे ही यहाँ पे अनयूजअली दे दिया गया है इसको तो यहाँ पे वुड नहीं होगा फ्यूल होगा कि जिसको फ्यूल की तरह यूज करने करा जाता था ब्रिक्स के लिए राइट right? तो आइए हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 19 क्वेश्चन नंबर ईडियम है स्वेलन हेडेड ठीक है सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक जब से सुधीर को फर्स्ट रैंक मिली है तब से वो क्या करने लग गया है कंसीटेड हो गया है अनवेल खराब हो गई तबीयत फेमस हो गया या वेल कनेक्टेड नो हो गया उसमें बहुत ज्यादा प्राउड आ गया है अप्रोप्रिएट ऑप्शन वेन यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर वोकेबलरी आप सबके लिए बहुत अच्छी लाइन है जब आप चाहते हैं क्या चाहते हैं एक्सपैंड करना बढ़ाना किसको बढ़ाना आपकी वोकेबलरी को द बेस्ट थिंग टू डू इज टू रिलेट अर्ड देखो थोड़ा बड़ा लाइन है द बेस्ट थिंग टू डू बेस्ट थिंग जो है करने लाए वो क्या है इज टू है जो रिलेट रिलेट करो किस को अन नोन वर्ड को एक नोन वर्ड को रिलेट करो विद एंड डैश वन नोन वर्ड को रिलेट करो किस से डैश वन से रिलेट करो बफरिंग हो रही है क्या सब क्यों हो रही है तो मुझे बताइए हम लोग चेक करवाते हैं मेरे यहां पे मुझे नजर नहीं आ रहा ये, ये, ये। चेक करवाते हैं इसको रुक गया है क्या रुक गया है क्या बाहर देखो यहां तो मैसेज आ रहा है कि बफरिंग हो रही है मेरे फोन में भी रुक गया है ठीक है ओके चल रहा है चलिए शायद कोई प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट करते हैं फिर से वेन एक्सपेंड करना चाहते हैं को तो क्या करें बेस्ट थिंग टू डू इज सबसे अच्छी चीज है करने के लिए कैसा और वर्व थर्ड इसका मतलब क्या हुआ थर्ड यानी या क्या बन गया ये एडजेक्टिव सॉरी एडजेक्टिव बन गया है ना तो कैसा वर्ड नोन वर्ड को कनेक्ट करें किससे एक डैश वर्ड से है ना अब डैश वर्ड कौन सा होगा वो तो हमें ऑप्शन में दिखेगा एंड गेस करो एक डैश वर्ड से कनेक्ट uh, करो और उसको मीनिंग को गेस करो मीनिंग को क्या करो गेस करो पहचानने की कोशिश करना अनुमान अनुमान लगाने की कोशिश करो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया हुआ मतलब जो आसपास का लिखा हुआ मटेरियल है ना उससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो तो देखो एसेंशियल यानी होता है इंपॉर्टेंट कल हमने शेयर किया था इसको वो कैबलरी में नेसेसरी uh, है ना अननेसेसरी इसका जस्ट ऑपोजिट अनक्लियर यानी जो कि खुद ही क्लियर नहीं हो तो खुद ही क्लियर नहीं होगा तो उससे हम लोग कैसे करेंगे असेंशियल से तो असेंशियल अगर आप बोल रहे हैं वन तो यहाँ देखिए अनफैमिलियर लिखा हुआ अनफैमिलियर यानी कि अन देखो नोन शब्द को कनेक्ट करो किससे अन नोन से जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं पैसेज और मुझे ये आता है पर इसका मीनिंग नहीं आता है तो ये नोन शब्द है इस नोन शब्द को मैं कनेक्ट करूंगी किससे इस अननोन शब्द से तो अननोन का सिनोनिम क्या होता है अनफेमिलियर होता है यहाँ पे अनफेमिलियर दिया हुआ है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं टाइम थोड़ा सा जल्दी हो गया है ज़्यादा द रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा इसको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया है द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देखो द आर्टिकल रिडक्शन यानी कमी रिड्यूस uh, यानी कम होना है ना कमी आना कमी बोल देंगे हम इसको कमी किसमें इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन के कॉस्ट में मूल्य में मतलब उसमें कमी आना ड्यू टू एन इंक्रीज किस कारण के कारण किसके कारण एक इंक्रीज एक इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है कुछ बढ़त हो रही है इन सब्सिडीज सब्सिडीज में बढ़ रहा सब बढ़त हो रही है इसलिए ऑफर बाय द गवर्नमेंट कौन सी सब्सिडीज जिसको कि ऑफर किया जा रहा है किसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे देख लो सबसे पहले तो जो ऑफर वर्ड है ना ऑफर कैसे दे दिया है वी वन दे दिया गया है अब ये क्या है हमारा पूरा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं इसको द रिडक्शन इन प्रपोजिशन द रिडक्शन ये तो हमारा नाउन है ही इसके बाद आ गया फिर से प्रपोजिशन फिर आर्टिकल फिर से प्रपोजिशन इन द कॉस्ट फिर प्रेपोजिशन सॉरी नाउन और ये वाला तो ये वाला जो प्रेपोजिशन है इसके लिए इन ऑफ एजुकेशन अब ये ड्यू टू फिर से प्रेपोजिशन पूरा मिला के होता है यहाँ पर यानी बढ़ना होता है जब एक्शन होता है तो ठीक है और इंक्रीज बढ़ना होता है एक्शन होता है तब और अगर नाउन है तो इसको हम बोलते हैं बढ़त रिवर्स कर दीजिए इसको ठीक है बढ़त इन सब्सिडीज तो यहां पे फिर से प्रपोजिशन और ये फिर से नाउन सब्सिडीज सब्सिडीज में बढ़त जो कि अब देखो ये कैसी सब्सिडीज इसे पूछेंगे ना अगर हम कैसी सब्सिडीज तो ये बताएगा ऑफ जो कि विच आर ऑफर्ड जी विच क्या है यहां पे सब्जेक्ट आर क्या है व विच आर ऑफर्ड जिनको कि अब ये दोनों क्या बताते हैं सब्जेक्ट बताता है सब्जेक्ट और वर्ब जब हम लोग फ्रेज बनाते हैं ना तो सब्जेक्ट और वर्ब उसमें से हम हटा देते हैं तो हमने यही किया फ्रेज बनाया और सब्जेक्ट और वर्ब हटा दिया तो ऑफर जो है ना वो ऑफर्ड होना चाहिए था वहाँ पे पैसिव है पैसिव में वी थ्री से बनाया जाता है वो फ्रेज को तो ऑफर को हम लोग ऑफर्ड करेंगे कौन सी सब्सिडीज वो सब्सिडीज जो ऑफर की जाती हैं किसके द्वारा ऑफर की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा ज अब ये इज किसके लिए आया है ये हमारा वर्ब है ये किसके लिए इतने सारा यहाँ से लेके द से लेके गवर्नमेंट तक हमारा सब्जेक्ट था पूरा सब्जेक्ट फ्रेज था तो रिडक्शन देखो वो नाउन ढूंढो जो प्रेपोजिशन के पहले आ गया है वही हमारा सब्जेक्ट होगा चाहे कितने भी नाउन आ गए है, है ना पर सब्जेक्ट कौन सा होगा जो कि प्रेपोजिशन के पहले आए ये रिडक्शन जो है हमारा ये प्रेपोजिशन के पहले इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो है इसलिए सब्सिडीज को मत बिल्कुल मत मानना ठीक है ठीक है तो इस ऑल्सो सीन को ऑल्सो देखा जाता है एज अ रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड कि और ज्यादा एजुकेटेड के रूप में देखा जाता है कि ज्यादा एजुकेशन क्यों हो रही है क्योंकि सब्सिडीज ऑफर की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा कैसी जो कौन सी ऑफर की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो ये इसका आंसर होगा ऑफर जहाँ पे लिखा हुआ है ना इस ऑफर को उफर कर दो बाकी सब सही है तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हो गया है ट्वेंटी टू पे आते हैं पैसिव बनाना है हमें इसका कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया देखो पूरा सब्जेक्ट है ये वर्ब है हमारा इसमें हमारा जो अगर वर्ब लगता है एज एम आर तो किसके अकॉर्डिंग लगता है इसके अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ प्रशन इस प्रेपोजिशन ने इस नाउन को ऑब्जेक्ट बना दिया है तो अम्पस कैंपस फायर फिर से बफरिंग आई थिंक तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं हम लोगों के यहाँ पे सही चल रहा है प्लीज डू चेक है ना अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज द डेथ ऑफ ट्वेंटी थ्री पर्सन एक कैंपस फायर हुआ जिस जो कारण बना किसका डेथ का है ना किसका कारण बना डेथ का कारण बना ऑफ एटलीस्ट ट्वेंटी थ्री तेईस लोगों के डेथ का कारण बना कॉज कारण बनना। है। है। ठीक तो से या तो होगा। डेथ हमारा ऑब्जेक्ट तो यहीं से स्टार्ट होगा दटलीस्ट ट्वेंटी थ्री परसेंट वॉज कॉज प्रेजेंट पास वॉज प्लस वी थ्री आ जाएगा तो वॉज ढूंढ लीजिए केवल इसमें है इसमें नहीं है इसमें है नहीं है ओ सॉरी इसमें नहीं है इसमें भी है तो इन दोनों में से कुछ होगा तो द डेथलीस्टेंटी कैंपस फायर ये तो बिल्कुल सही है तो इसमें क्या गलत है ओके ओके कैंपस फायर इन अ कैंपस फायर ये सही है फर्स्ट सही है बाय अ कैंपस फायर नहीं इन अ कैंपस फायर ठीक है कैंपस के फायर के द्वारा नेक्स्ट देख लेते हैं that which can not be heard जिसको सुना ना जा सके हिडन छुपा हुआ इनविजिबल जो दिखाई ना दे इनऑडिबल जो सुनाई ना दे स्लाइट यानी हल्का सा स्लाइट हल्का सा थोड़ा सा है ना स्लाइट सा स्लाइट सा चेंज कर दो हल्का सा चेंज कर दो स्लाइटली लाइट थोड़ा सा लाइट ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना तो हल्का सा के लिए आएगा ये वाला वर्ड जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 असिस्ट असिस्ट करना यानी क्या होता है हेल्प करना किसी को Uh, मदद कर देना कॉल्ड असिस्टेंट कौन होता है जो मदद करता है किसी पर्सन की ठीक है तो क्रिएट यानी शू तो वहां पर क्या करता था मैं शू को यानी कि रिपेयर करता था हेल्प करना चेंज यानी बदलना ठीक है तो हेल्प इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं ट्वेंटी हो गया लास्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू डैश टू अव प्लेस नई प्लेस पे डैश करने के लिए यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर किसी भी नए प्लेस में एडजस्ट करने के लिए किसी भी नए प्लेस में एडजस्ट करने के लिए यू मे नीड तुम्हें जरूरत पड़ सकती है किसकी एडजस्ट करने की सामंजस्य बिठाने की किससे उन तरीकों से जो कि उस कल्चर के हैं उस कल्चर के तरीकों से सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ सकती है इन ऑर्डर टू अगर तुम वहां पे अडॉप्ट करना चाहते हो अढेर देखो अढ़ेर यानी क्या होता है जिद्दी करना फिक्स हो जाना किसी भी बात पे, अड़ जाना और हो जाना ठीक है अवॉइड करना यानी नजरअंदाज करना ठीक है अडॉप्ट करना यानी किसी चीज को प्राप्त कर लेना ठीक है ले लेना गेट और अडेप्ट करना यानी किसी के अनुसार ढल जाना किसी के अनुसार ढल जाना यानी अपना लेना अपना लेना ढल जाना ठीक है यानी कि अपना लेना किसी को अपना अपना लेना यानी उसकी चीजों को मान लेना ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे अपनाने की तो बात हो रही है कि उस कल्चर की चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हो गए हमारा टाइम बिल्कुल थ्री ओ क्लॉक हो गया और शार्प थ्री ओ क्लॉक हमने खत्म कर लिया वेरी गुड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट कि टाइमली बिल्कुल सही खत्म हो गया है तो आइए खत्म करते हैं हमारे इस सेशन को ट्वेल्व का सेकेंड शिफ्ट हमने कर लिया है ट्वेल्व के थर्ड शिफ्ट में फिर से मिलेंगे कल और कल हम लोग करेंगे पूरा पेपर सोल्यूशन और आप लोग कह रहे हैं सी भी स्टार्ट करिए तो देखो सी एच एस एल का मैसेफ इतना कहूँगी अभी कि अभी हम एक बार इसको ख़त्म करते हैं एस स्टार्ट करते हैं और सी एच एस एल को टेस्ट सीरीज़ के रूप में करें तो कैसा रहे टेस्ट सीरीज़ के रूप में हम लोग कर लेंगे बाद में बहुत सारे पेपर्स हैं उसके भी है ना तो आपको रोज टेस्ट सीरीज के रूप में मिलता जाएगा और आप करते रहें तो ये आप लोग मुझे कल तक बताइएगा मैसेज करके कॉमेंट करके जैसा भी आप लोगों को लगे मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट सेशन में थैंक यू